सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज आज डिस्कस करेंगे बेड सोर के बारे में, जिसे कई लोग प्रेशर अल्सर के नाम से या फिर कई लोग इसे प्रेशर सोर के नाम से या डेगोबिटस नाम से जानते हैं। और गाइज जो बेड सोर है ना, ये उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक लेटे रहते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, जैसे पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं या फिर पार्किंसन डिजीज़ के होते हैं, या वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पर ज़्यादा समय तक होते हैं, उनकी पोजीशनिंग को चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनमें भी बेड सोर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें पोजीशन चेंज कर पाना मुश्किल होता है या पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता पोजीशन को चेंज करने के लिए, उन लोगों में बेड सोर डेवलप हो जाता है। और गाइस इसकी चार स्टेज होती हैं, तो इस वीडियो में फुल्ली डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दूंगा पहले तो बेड सोर का कि बेड सोर आखिर होता क्या है, फिर मैं आपको इसकी स्टेजेस के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको कौन सी स्टेज है, या फिर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को हुआ है ना, तो ये वीडियो आप देखिए और आप अच्छे से बेड सोर के बारे में समझ जाएंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं आपको स्टेजेस का बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके साइन और सिम्टम्स का बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण क्या हैं, बेड सोर होने के सबसे ज़्यादा जो मेजर कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं, इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जब भी गाइस बेड सोर का कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ना, स्टेज 3 का या स्टेज 4 का पेशेंट आता है बेड सोर का, तो कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है, नॉर्मल व्यक्ति बेड सोर को देख नहीं सकता स्टेज 4 का, वो भी इस ट्रीटमेंट से कवर हो जाता है। तो इस वीडियो में वो सारी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, कैसे ड्रेसिंग करना है, ड्रेसिंग के टाइम मतलब कि पट्टी करते टाइम आपको कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, यूज़ करने का कौन सा मेथड होता है, क्या टेक्निक होती है हॉस्पिटल में, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आपका जो पेशेंट है वो जल्दी से हील हो जाए, क्योंकि गाइस एक तो बेड सोर अगर आप घर पर ही पेशेंट की केयर कर रहे हैं ट्रिकोस्टमी की, या फिर कोई सा भी पेशेंट होता है पैरालिसिस का या पार्किंसन डिजीज़ का, तो उनको बेड सोर डेवलप हो ही जाता है। ओके, तो आप घर पर ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको ड्रेसिंग का जो प्रोसीजर होता है ना वो मैंने अच्छे से बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, और वो सारी मेडिसिन भी मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा प्रोसीजर है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करने वाले हैं बेड सोर के बारे में, तो फटाफट पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आखिर बेड सोर होता क्या है। तो गाइस देखिए, जब भी कोई पेशेंट लंबे समय तक लेटा रहता है या फिर बैठा रहता है ना, तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहां पर वो बैठा है या फिर लेटा हुआ है, लेटने पर हिप पर, शोल्डर या फिर गर्दन के पीछे, या फिर एंकल जॉइंट पर, या फिर हील पर प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर शरीर का वज़न डालने से होता है। ओके, जो बॉडी वेट है वो उस पार्ट को दबाएगा, और वहाँ से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और ब्लड सप्लाई रुकने पर क्या होता है गाइज, उस टिश्यू पार्ट पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, साथ ही ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, और धीरे धीरे वो पार्ट के जो सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और आखिरकार क्या होता है कि वो जो पार्ट के टिश्यूज़ हैं ना वो रैप्चर हो जाती है, और अगर इस पर भी ध्यान ना दिया जाए तो फिर बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ करने का सोर्स मिल जाता है, और एटलीस्ट क्या होता है कि वो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो जल्दी से ठीक नहीं होती। तो गाइज ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको बताया है कि आखिर बेड सोर होता क्या है। ओके, अब मैं आपको इसकी स्टेजेस का भी बता देता हूँ फटाफट। तो गाइज इसकी चार स्टेज हैं जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी। पहली स्टेज में क्या होता है कि अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम तक लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, तो जिस पॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वहाँ पर हल्की सी
सूजन आ जाती है या फिर रेडनेस आ जाती है जो कि वाइट नहीं होती। आपने देखा होगा कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है वो लेटा हुआ है या सोया हुआ है ना, तो उसकी पीठ पर या फिर जिस साइड की उसने जिस साइड का पासा लेकर वो लेटा होगा, पीठ के बल अगर लेटा हुआ है या फिर पासा लेकर लेटा हुआ है, तो जौन सी चीज़ का जो पार्ट शरीर का नीचे दबा होता है ना, जिस पार्ट पर शरीर का वजन होता है, वो पार्ट रेड हो जाता है। आप कभी ट्राई भी कर लेना तो ओके। तो जब वो उठता है तो वो पार्ट रेड होता है, लेकिन उठने के बाद उसने पोजीशन चेंज कर दी तो वो जो पार्ट है वो वाइट हो जाता है। ओके, तो वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो दोबारा से चालू हो जाता है। लेकिन जो बेड सोर के पेशेंट होते हैं वो एक ही पोजीशन पर रहते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है और वो जो पार्ट है, टिश्यू का एरिया है, वो डैमेज हो जाता है। ओके, तो स्टेज वन में क्या होता है कि रेडनेस आएगी, इन्फ्लामेशन होगी, थोड़ी सी जलन होती है, ठीक है, खारिश भी होती है स्टेज वन में। स्टेज टू में क्या होता है कि हमारी जो स्किन की लेयर होती है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है, वो रैप्चर हो जाती है, फट जाती है। ख़ास तौर पर तो एपिडर्मिस लेयर ही फटती है, और वहाँ पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाते हैं अपनी, उनको सोर्स मिल जाता है स्किन के अंदर एंटर करने का। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये स्टेज थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है या फिर जो स्किन है वो सबकुटेनियस लेयर तक पहुंच जाती है, रैप्चर होकर फट जाती है, और वहाँ पर एक छल्ला टाइप या फिर एक राउंड सर्कल में या फिर फटने के कारण वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाती है, मवाद पड़ जाता है, और बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी से वहाँ पर ग्रोथ करने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप नहीं देते, आप अच्छे से पेशेंट की केयर नहीं करते, तो क्या होगा कि ये जो स्टेज थ्री है ये स्टेज फोर्थ में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर कई बारी तो ऐसा होता है कि हड्डी तक दिखने लग जाती है, बोन तक दिखने लग जाती है, ख़ास तौर पर जो हिप्स का एरिया होता है या फिर जो सिर के पीछे का एरिया होता है या शोल्डर होती है या फिर एंकल जॉइंट होता है, हील होती है, वहाँ पर बहुत ही गंदे किस्म के बेड सोर डेवलप हो जाते हैं, जिनको कवर अप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स देने के बाद ही ये ठीक होते हैं। ओके गाइस, तो ये तो थी इनकी स्टेजेस की बात। आगे बात करते हैं कि इनके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो गाइस, जब भी बेड सोर होगा तो पहले तो आपको रेडनेस दिखाई देगी, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर ये सूज जाता है और स्किन फट जाती है, जिसमें से वाइट कलर की पस या फिर जो मवाद आप हिंदी में कहते हैं वो पड़ जाता है, वाइट वाइट कलर का होता है। और अगर इसको भी ध्यान ना दिया जाए तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है, काफ़ी सूज जाता है, पस भी पड़ती है, साथ में ब्लीडिंग भी होती है, और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है गाइस ये स्टेज थ्री की, जिसमें से बदबू भी आती है, जलन भी होती है, और पेशेंट को फीवर भी आने लग जाता है। स्टेज फोर में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, WBC काउंट्स भी बढ़ जाते हैं, और जो बेड सोर का एरिया है उसमें से काफ़ी बदबू आती है, काफ़ी इन्फ्लामेशन होती है, पस फॉर्मेशन होती है, बहुत ही गंदी सिचुएशन होती है गाइस स्टेज फोर, और काफ़ी मुश्किल से ये कवर अप होते हैं। तो गाइस, ये तो थे इसके साइन और सिम्टम्स की बात, तो इसके कॉजेज की भी फटाफट बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो लोग ज़्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन पर रहते हैं ना, उनको बेड सोर होता ही होता है। ओके, और दूसरा है कि जो पेशेंट पार्किंसन डिजीज़ के होते हैं या फिर वेंटिलेटर पर होते हैं या फिर पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं ना, वो स्टूल पास कर देते हैं या फिर यूरिन पास कर देते हैं, उनको पता नहीं लगता कि उन्होंने स्टूल पास किया है या फिर यूरिन पास किया है, जिसके कारण वहाँ पर नमी इकट्ठी हो जाती है, ख़ास तौर पर हिप के एरिया में जो बटक्स होते हैं वहाँ पर नमी इकट्ठी हो जाती है स्टूल की और जो यूरिन होता है, और स्टूल के अंदर तो आप जानते ही हैं काफ़ी तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, सारी की सारी गंदगी होती है। और अगर स्टेज वन का बेड सोर है, ठीक है, और वहाँ पर स्टूल भी है और यूरिन भी है, तो बैक्टीरिया को डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर ये अपनी ग्रोथ करता रहता है।
इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों को पैरालिसिस होते हैं या फिर पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उन लोगों को बेड सोर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं लगता कि कब इन्होंने स्टूल किया है, या फिर अगर कई पेशेंट को कैथेटर डला होता है तो स्टूल के कारण भी इन लोगों को बेड सोर हो जाता है। और गाइस जो तीसरा कारण है ना वो है हवा ना लगना और स्वेटिंग का। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे गद्दे दिए होते हैं जिसमें से हवा पास नहीं होती, पेशेंट की पोजिशनिंग चेंज होती है लेकिन वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिससे पेशेंट को पसीना आता है और साथ ही हवा तो लगती नहीं है, जिससे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है बेड सोर को डेवलप होने का। और ये स्टेज वन से स्टेज टू, स्टेज थ्री और स्टेज फोर में कन्वर्ट होता रहता है। आगे जो फोर्थ नंबर का कॉजेज मैं आपको बता रहा हूँ वो है ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम या फिर डायबिटिक होना पेशेंट का। अगर आपको किसी भी तरह की कोई आर्टरी डिजीज़ है या फिर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको बेड सोर डेवलप हो जाए या फिर आपके रिलेटिव को बेड सोर डेवलप हो जाए। तो काफ़ी बचकर रहना पड़ता है डायबिटिक पेशेंट को या फिर आर्टरी डिजीज़ पेशेंट को। मतलब अगर कोई आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट है ना गाइस तो उसका ब्लड अच्छे से प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं करता, और अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो आप जानते ही हैं वहाँ पर फिर से एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है बेड सोर को डेवलप होने का। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक में क्या होगा कि उसके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, और अगर एक बार बेड सोर डेवलप हो गया तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और ऐसा हॉस्पिटल्स में भी मैंने देखा है जिनके बेड सोर जल्दी से नहीं भरते वो 90% से ज़्यादा लोग डायबिटिक होते हैं जिनको हैवी मेडिसिन देने के बाद भी उनका बेड सोर ठीक नहीं होता, तो वो डायबिटिक भी होते हैं। इसीलिए अगर आपका बेड सोर ठीक नहीं हो रहा या आपके रिलेटिव का नहीं हो रहा ना तो एक बार आप अपने ब्लड का भी टेस्ट करवा लें, अपनी ब्लड शुगर को भी टेस्ट करवा लें। तो गाइज ये तो कुछ तरह के कॉजेज मैंने आपको बताए हैं, कारण बताए हैं कि बेड सोर क्यों होता है। अब मैं आपको फटाफट इसका अच्छा सा एक ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो गाइज देखिए, अगर आपको स्टेज वन का बेड सोर हुआ है ना तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप कोकोनट ऑयल लगाएं, सिंपल जो नारियल का तेल होता है आप 100% नारियल का जो तेल होता है वो लें और वहाँ पर आप लगाते रहें। स्टेज वन के बेड सोर में हम आपको बोल रहा हूँ लगाएं, सुबह शाम या दिन में 3 बार भी लगाएं और पासा दिलवाते रहें। पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो आप चेंज कराते रहें, हर 2 घंटे में अगर आप पोजीशनिंग चेंज करवाएंगे तो गाइस बिलीव मी 1 हफ्ते में स्टेज वन का बेड सोर 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको बारी बारी उसकी पोजीशनिंग चेंज करानी है, साथ ही नारियल का तेल लगवाना है। साथ ही गाइज एक बात का ध्यान रखें कि अगर पेशेंट को ऐसा गद्दा दिया हुआ है जिसमें से गर्मी ज़्यादा होती है या फिर गद्दा थोड़ा सा हार्ड है तो गाइज आप गद्दे को चेंज कर लें, और अगर आप मेरी राय मानते हैं तो एयर मैट्रेस को आप परचेज कर लें, उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अगर मुझे मिलता है अमेज़न से तो गाइज मैं उसका लिंक ज़रूर डाल लूंगा। आप एयर मैट्रेस का यूज़ करें, उससे क्या होगा कि एयर मैट्रेस जो होते हैं वो उनके अंदर कुछ ऐसे सेंसर डले होते हैं जिससे हवा बारी बारी से अलग अलग पार्ट पर सर्कुलेट होती रहती है, एक साइड से हवा निकलेगी तो दूसरी साइड से जाएगी, तो बारी बारी हवा निकलती है और अंदर जाती है जिससे पेशेंट को बेड सोर डेवलप होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो पहला तो है कि आप एक एयर मैट्रेस का यूज़ कर लें या फिर आप वाटर बेड का भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर मैट्रेस भी आते हैं वो भी अमेज़न से मिल जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी क्वालिटी का या तो आपको एयर मैट्रेस का लिंक दे दूँ या फिर वाटर मैट्रेस का लिंक दे दूँ, और इसे परचेज़ करना गाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपका कोई भी पेशेंट बेड सोर का है। ओके, तो गाइज़ आगे बात करते हैं स्टेज टू की। अगर बेड सोर जो स्टेज टू में हो चुका है, मतलब कि एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर जो स्किन की ऊपरी चमड़ी है ना, जो सतह है पहली और दूसरी, वो ख़राब हो चुकी है बेड सोर के कारण, तो उस पर क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप सिंपल बीटाडीन लगा सकते हैं। बीटाडीन लगाने के बाद न्योस्पोरिन नाम का पाउडर आता है, आप उसको छिड़क दीजिए तो स्टेज टू का जो बेड सोर है वो अच्छे से ठीक हो जाएगा।
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम आप बीटाडीन लगाएं और न्योस्पोरिन का पाउडर छिड़क दें, और हो सके तो उसके 2 घंटे बाद और दोपहर में, और शाम को जब ड्रेसिंग करेंगे, जब आप उसको साफ़ करेंगे ना, तो उसके 2 घंटे पहले आप ना नारियल के तेल की मालिश कर देना उस पर, तो काफ़ी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जो स्टेज 3 का जो बेड सोर होता है गाइज, इस पर काफ़ी ध्यान देने वाला होता है। पहला है कि पेशेंट को पसीना नहीं आना चाहिए, ओके। दूसरा है कि एयर मैट्रेस आपने परचेज करना ही करना है, कंपलसरी है ये। तो अगर आप परचेज नहीं करेंगे ना एयर मैट्रेस, तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी बेड सोर को ठीक करने में। और हर हॉस्पिटल में आज के टाइम में एयर मैट्रेस को यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा देखो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपने बेड सोर को ठीक करना है। इतने का आपका दवाइयों का खर्चा आ जाएगा, ओके, बेड सोर को ठीक करने में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एयर मैट्रेस को यूज़ कर लें। 1500 के अराउंड का एयर मैट्रेस आ जाता है, और मैं कोशिश करूँगा अच्छी क्वालिटी का। आपको मैं लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार चेकआउट कर लेना अगर मुझे अमेज़न पर मिल जाता है तो, ओके। तो स्टेज 3 में क्या है कि एक तो पसीना नहीं आने देना, दूसरा पेशेंट को जहाँ पर जिस एरिया पर बेड सोर हुआ है वो ड्राई रहे, वहाँ पर अगर पेशेंट स्टूल पास करता है या फिर यूरिन पास करता है, तो आपने डायपर को जो है अच्छे से साफ़ करना है उस एरिया को, डायपर को हमेशा सूखा रखना है, ओके। और उसकी जो स्टेज 3 की जो ड्रेसिंग है वो आपने 2 टाइम तो कम से कम करनी है। अब ड्रेसिंग कैसे करनी है, देखिए स्टेज 3 का जो बेड सोर है वो काफ़ी परेशानी वाला होता है, जिसमें इन्फेक्शन भी होगा पेशेंट को, ठीक है, वाइट ब्लड सेल भी बढ़ेंगे और फीवर भी आता है और पेशेंट को दर्द भी होता है। तो आपने क्या करना है, पहला तो है कि पसीना नहीं आने देना, हर 2 घंटे में आपने पोजीशनिंग चेंज करानी है, और ड्रेसिंग के टाइम आपने क्या करना है, आपको क्या क्या चाहिए देखिए, आप नोट कर लीजिएगा फटाफट। आपको पहले तो सर्जिकल ग्लव्स चाहिए, ओके, जो भी आपको आते हैं 7.5 नंबर यूजली पहने जाते हैं। साथ ही आपको NS 500 ml की बोतल चाहिए, मेट्रोजल चाहिए आपको 100 ml की बोतल, ओके। साथ ही आपको गोज पीस चाहिए, कॉटन रोल चाहिए आपको, न्योस्पोरिन पाउडर चाहिए, मेगा हील ऑइंटमेंट चाहिए, और पैराफिन गोज चाहिए आपको, ठीक है गाइज। तो ये सब सामान आपको चाहिए ड्रेसिंग के लिए। और अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पेशेंट को जिस साइड का भी बेड सोर है ना, ठीक है, अगर बटक्स पे हम आप समझ लीजिए कि बटक्स पर है, तो आपने पेशेंट को साइड की पोजीशन दिलानी है, और उसके नीचे आप कोई भी प्लास्टिक शीट बिछा सकते हैं। हॉस्पिटल में तो हम लोग मैकिनटॉश बिछाते हैं जब भी ड्रेसिंग करते हैं, तो आप कोई भी प्लास्टिक शीट को बिछा सकते हैं ताकि पेशेंट का गद्दा गीला ना हो, आपने इस बात का ध्यान रखना है, ओके। तो सबसे पहले जहाँ पर भी ड्रेसिंग करनी है, मतलब कि पट्टी करनी है बेड सोर के ऊपर, तो आपने उस एरिया को NS से अच्छे से साफ़ करना है, ठीक है। और NS के अंदर आप हो सके तो थोड़ा सा सेवलोन डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा बीटाडीन भी डाल सकते हैं NS के अंदर, और फिर उसको अच्छे से वॉश करना है, और फिर गोज लेके और उसको अच्छे से धो लेना, गोज से जो भी पस वगैरह होगी वो हटा लेना। धोने के बाद एक चीज़ और भूल गया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने लेनी है, और जो पेशेंट का जख्म है उस पर आपने हाइड्रोजन डालना है। हाइड्रोजन डालने के बाद थोड़ी सी बुलबुले उठेंगे, बबल्स उठेंगे, तो आपने उसको अच्छे से NS से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद गाइज आपने मेट्रोजल से उसको फिर से धोना है, ओके। मेट्रोजल से धोने के बाद आपने मेगा हील ऑइंटमेंट लगाना है, और मेगा हील ऑइंटमेंट लगाने के बाद आपने पैराफिन के गोज लगाकर उसके ऊपर पैड लगाना है, ओके, और कवर अप करना है, ठीक है गाइज। ऐसा ही सेम आपने शाम को भी करना है, ठीक है, स्टेज 3 में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 20 दिन के अंदर आपका स्टेज 3 का जो बेड सोर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मेरा खुद का जमाया हुआ ये मेथड है, और हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आते हैं ना स्टेज 3 के बेड सोर के, ये एकदम बढ़िया ट्रीटमेंट है गाइस, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ओके। जो स्टेज 4 का है ये थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो गाइस
इस पर आप ज़्यादा मेडिसिन ट्राई करने से पहले तो आपको एक पस कल्चर की रिपोर्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लेबोरेटरी वाले को फ़ोन कर देना और पल्स कल्चर की रिपोर्ट, आप कहना कि हमने पस कल्चर टेस्ट करवाना है। तो सबसे पहले तो आपको पस कल्चर की रिपोर्ट आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा किस कारण से पस बन रही है, उसका आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा जिसके कारण वो ठीक नहीं हो रहा। तो पस कल्चर की रिपोर्ट करा लेना, और तब तक अगर आपने ट्रीटमेंट देना ही है तो क्या करना है, आपको NS 100 ml चाहिए, मेट्रोजल चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, पैराफिन गोज चाहिए, प्लेस एंट्रैक्स क्रीम आती है, साथ ही आपने मेट्रोजल क्रीम लेनी है, साथ ही नियोस्पोरिन आपको पाउडर चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स, गोज चाहिए, कॉटन रोल चाहिए, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। अब आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, वही सेम कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, पेशेंट को साइड दिलानी है और नीचे प्लास्टिक शीट आपने बिछानी है, उसके बाद आपने NS के अंदर थोड़ी सी बीटाडीन डालनी है और उससे अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर से प्लेन NS से उसको धो लेना, फिर आपने हाइड्रोजन डालना है, हाइड्रोजन डालने के बाद बबल्स उठेंगे, उसके बाद आपने NS डालकर उसको फिर से वॉश करना है, ओके। वॉश करने के बाद आपने मेट्रोजल से उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने प्लेस एंट्रैक्स और मेट्रोजल की ऑइंटमेंट को मिक्स करना है और फिर वहाँ पर लगा देना, और उसके बाद जो पैराफिन के गोज हैं वो लगाकर ऊपर पैड लगाना है, और पैड लगाने के बाद उसको आप टेप लगा सकते हैं या फिर आप डाइपर पहना सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये तो था आपने, सॉरी मैं आपको और बताना भूल गया था कि जब आप पैराफिन का गोज लगाएंगे तो वहाँ पर साइडों में आपने नियोस्पोरिन पाउडर भी छिड़क देना है। तो गाइज नियोस्पोरिन पाउडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वो ड्राई रखेगा एरिया को, साथ ही उसके अंदर एंटीबायोटिक होता है, नियोमाइसिन होता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के चांसेस नहीं रहते, ठीक है। तो सुबह के टाइम आपने ये ऐसे ड्रेसिंग करनी है, मतलब पट्टी करनी है, और शाम को स्टेज 3 वाला आपने प्रोसीजर करना है जब तक रिपोर्ट नहीं आती। और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आपने जौन सा भी उसके अंदर का ऑर्गेनिज्म होगा, जौन सा भी बैक्टीरिया होगा, उस पर काम करने वाला एंटीबायोटिक दिया होगा, तो आपने वो एंटीबायोटिक या तो इंजेक्ट करवाना है या फिर आपने ओरली उस मेडिसिन को देना है, साथ ही उसी एंटीबायोटिक का एक ऑइंटमेंट आपने सुबह शाम यूज़ करना है। और गाइस एक महीने के अंदर स्टेज 4 का जो बेड सोर है वो भी ठीक होने लग जाता है, और जब वो ठीक होने लग जाए, ठीक है, जब वो ठीक होने लग जाएगा ना, तब आप बीच बीच में नारियल का तेल भी लगाना, तो काफ़ी जल्दी वो कवर अप कर लेगा। और गाइस फिर भी अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो ना, तो प्लीज़ आप हमें एक बार कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है, और मैं फटाफट आपके कमेंट का आंसर देता हूँ। अगर आप पासी चैम चैनल के मेंबर नहीं है ना, तो आप एक बार मेंबर बन जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जितने भी पासी चैम के मेंबर हैं ना, वो जानते हैं कि मैं उन्हें इंस्टेंटली रिप्लाई देता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।